ओम शांति। आज की तारीख है 28/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है, हम सभी क्या लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है कि इस दुनिया के अंदर सबसे ऊंचे ते ऊंचा, महान ते महान, परम ते परम कौन है। वो है परम पिता, परमात्मा, ईश्वर, खुदा आदि आदि नामों से जिनको याद किया जाता है, पुकारा जाता है, तो वो पिता परमात्मा। तो वो पिता परमात्मा जब शिक्षक बनकर हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं तो स्वाभाविक ही वो ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो पढ़ाई भी तो हमें ऊंची ही पढ़ाएंगे और पद भी हमें उससे ऊंचा ही प्राप्त होगा। तो आइए सुनते हैं परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा द्वारा ज्ञान मुरली। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बुद्धि में है कि पतित पावन गॉडफादर के हम स्टूडेंट हैं और हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? उत्तर है, जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं, सर्विस का सबूत निकालते हैं, उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। वे भविष्य 21 जन्मों के लिए उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर 1, पढ़ाई का बहुत कदर रखना है, बाप से कृपा आदि नहीं मांगनी है, ज्ञान और योग बल जमा करना है। नंबर 2, रहम दिल बनना है, मुख से कभी भी कड़वे बोल नहीं निकालने हैं, सदा मीठा बोलना है, आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान सतगुरु शिव पिता का कि विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन योगी और तपस्वी आत्माओं के लिए सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं, ये अधीनता की निशानी दिखाई है, स्थिति ही स्टेज है। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। स्लोगन है, पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग
और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।